और हुक्मरान या आड़ती। लैया अराजी केस में एंटी करप्शन ने चेयरमैन पीटीआई को आज तीसरी मर्तबा तलब कर लिया। तर्जमान एंटी करप्शन का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई को पेश होने के लिए आखिरी वार्निंग दी है। अगर चेयरमैन पीटीआई आज पेश ना हुए तो उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई होगी। साबिक वजीर आजम की हमशीरा और बहनोई को भी एंटी करप्शन डीजी खान में पेश होने की हिदायत की गई है। तर्जुमान ने वाज़ह किया कि एंटी करप्शन ने तलबी का नोटिस जमान पाक की रिहाइशगाह पर चस्पा कर दिया है। एडवोकेट अली एजाज ने जमान पाक में एंटी करप्शन का तलबी का नोटिस वसूल किया। तर्जुमान ने इल्ज़ाम आयद किया कि एंटी करप्शन के पास चेयरमैन पीटीआई के अराजी स्कैंडल में मुलविस होने के वाज़ह सबूत मौजूद हैं। चेयरमैन पीटीआई ने अराजी के गैर कानूनी इंतकाल के लिए रेवेन्यू ऑफिसर पर बनीगाला में दबाव डाला। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की मकामी अदालत ने पीटीआई के सदर चौधरी परवेज़ इलाही को जुडिशल रिमांड पर